आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग जेड फ्लिप 3 5G में अलार्म कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्लॉक पे जाएं। क्लॉक पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी हम लोग वर्ल्ड क्लॉक पे हैं। तो नीचे में मल्टीपल ऑप्शन आता है जिसमें अलार्म, क्लॉक, स्टॉपवॉच और टाइमर है। तो हमें अलार्म पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कोई अलार्म अभी लगा नहीं हुआ है, तो आप प्लस पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जब अलार्म लगाना है, जैसे अभी करंट दिखा रहा है 6:00 सुबह का 6:00 अलार्म लगने के लिए, तो आप सपोज़ 6:15 पे लगाना है। तो आप स्क्रॉल करके इसको मूव करते रहिए टिल योर डिज़ायर्ड टाइम। ये देखिए 6:15 हो गया। आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आइए, आप अलार्म का नाम दे सकते हैं। सपोज़ वॉकिंग या जॉगिंग के लिए उठना है तो आप जॉगिंग के लिए दे दीजिए नाम। ओके, और आप अलार्म साउंड ऑन रख दीजिए, वाइब्रेशन ऑन रख दीजिए। स्नूज़ आपका 5 मिनट्स बाद, मतलब 3 बार बजेगा, उसके बाद नहीं बजेगा। आप कौन सा दिन चाहते हैं तो इसमें आप क्लिक करके लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये अभी थर्सडे पे क्लिक हो गया तो थर्सडे बजेगा, वेडनेसडे बजेगा। तो अगर आप वीक में सारा दिन चाहते हैं तो सारा दिन लगाएं, संडे को अगर ऑफ चाहते हैं तो संडे को छोड़ दें। तो यहाँ ऐसे आप देखिए, आप वीक में आप 6 डेज को ऑन कर दिए और संडे को ऑफ़ कर दिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दें और ये आपका अलार्म सेट हो चुका है 6:15 पे, जो कि ये आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होगा, संडे को नहीं बजेगा ये। थैंक यू दोस्तों।